छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में खेती बाड़ी जैसे ही बरसात शुरू होती है उसके बाद यहाँ खेती बाड़ी का काम चालू हो जाता है, किसानों का काम काज शुरू हो जाता है। हम किसानों से बातचीत करेंगे कि उनका खेती बाड़ी का काम काज कैसे चल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति भी किसानों पर ही टिकी रहती है। किसान जिसे चाहते हैं उसे सत्ता पर बैठाते हैं और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो गया है, बीजेपी ने यहाँ बाजी मारी है। किसानों से बातचीत करते हैं, किसान क्या कहते हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव हो रहा है, वो क्या कुछ चाहते हैं अब सरकार से, क्योंकि बजट सत्र जो है वो चल रहा है। बातचीत करते हैं। क्या नाम है भी आपका? मैं राम सोनकर। कौन सा गाँव है ये? ग्राम खुड़मुड़ा। ग्राम खुड़मुड़ा कितना दूर है रायपुर से? रायपुर से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कैसा चल रहा है बताइए, खेती बाड़ी का काम आपका? अभी तो अच्छा चल रहा है, जोताई फंदाई चल रहा है, धान बोई चल रहा है। तो कैसे करते हैं शुरू से बताइए, कि शुरू से धान जब लगाते हैं तब से लास्ट तक जब हम धान लेके जाते हैं दुकानों में बेचने, तब तक कैसे करते हैं तैयारी, आप शुरू से बताइए। हाँ, पहले तो खेत को जोताई करते हैं, उसके बाद अपना जोताई करने के बाद बीज वीज डालते हैं, उसके बाद फिर जोतवाते हैं, उसके बाद पानी वानी गिरेगा ना, बारिश होगा तो फिर उसको बियासी करना पड़ता है, बोता धान को। उसके बाद निंदाई कोड़ाई चलेगा, खाद दवाई ववाई डालना पड़ेगा, देख रेख शुरू से चलेगा। हाँ, ऐसा शुरू से वही काम करते हैं? शुरू से काम करना पड़ता है ऐसे। आप कितना एकड़ में फसल लगाते हैं? वही 6-7 एकड़ में। 6-7 एकड़ में पहले के मुकाबले अभी कितना बढ़त हुआ है धान के पैदावार में? अभी तो ऐसी 6, हमारे तरफ ज़्यादा धान नहीं हो पाए, कम होते ऐसे। हाँ, तो पहले के मुकाबले अभी कब तक अंतर पड़े हो? 1 साल हो गए तो खेती करत? मेरा तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए पहले पिताजी मन करत रही? हाँ, पिताजी मन करत रही पहले ऐसे। पहले पिताजी मन करते, सब मैं खुद स्वयं करते ऐसे। कतका बदलाव हुए है वह लग थे? ऐसे हुआ था बदलाव हल्का। हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, तो अभी कतका सहूलियत हो गया, सरकार कतका मदद करते किसान मन के? अभी तो बहुत मदद करत करे बस सरकार है। हाँ, खातू दवाई वो खातू वातू देते, पैसा वैसा भी देता है एकड़ हिसाब से। हाँ, कितना कितना मिलता है आपको सब्सिडी? सब्सिडी तो हमारा नहीं मिले, सब्सिडी नहीं दे नहीं दे। हाँ, तो ये बता भैया कि तय कत्ता जन हमारे घर में तो परिवार में? हमन तो 12 जन। 12 जन हुआ तो भाई हवे? हाँ, भाई भी है। तय भाई है? दो भाई है। तय बड़े है कि वो बड़े? मैं बड़े हूँ। तय बड़े है? हाँ। तो छोटे भाई है? दो जन छोटे भाई है मोर से। उन काय काय काम करते हो? वो किसानी करते, वो भी सब किसानी करते। हाँ, तुम्हारा टोटल में कतन खेत हो? हमार 4-5 एकड़ है टोटल, बाकी रेखा है ऐसे। हाँ, तो एक अलावा का का काम करता खेती बाड़ी? बस खेती बाड़ी करता ना। हमारा खेती बाड़ी में टीके हुए? हाँ, मजदूरी भी चल देते, काकरो घर बुलाते थे ऐसे। हाँ, तो कतका सालाना कतका लगभग आय हो जात हो धान से? ये धान से तो कोई आय नहीं हो हमारे मन के, बस खाना पीना भर होते उसकी मान के चल ऐसे। हाँ, कही थे कि सरकार तो कही थी कि अब किसान मन के आय दुगना कर दिए हैं? नहीं हुआ है अभी, अभी तो सब रेट बढ़ गए हैं ना, दवाई पानी का, बीज का। बीज 120 रुपये किलो में बीज खरीदे हैं, ये जो बीज दिखा ना। हाँ, ये 90 रुपये किलो में खरीदे हैं। अच्छा, इसको 900 रुपये 10 किलो का, और हम लोग बेच रहे हैं 3100 रुपये ले गए साल बस। हाँ, हाँ। तो 3100 रुपये में पहले तो कम ही था ना रेट, अभी ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुनाफा तो होता ही होगा। तब ऐसे सब पे महंगाई बढ़ते जा रहा है ना। अच्छा, हर चीज़ दुगुना हो रहा है। हाँ, दवाई का रेट दुगुना हो गया, खातू का रेट दुगुना हो गया है। हाँ, तो मतलब एक ही है। तो किसान को क्या कहना चाह, मतलब आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, किसान जो है वो क्या कहना चाहेगा सरकार को लेकर, कैसा आपका मदद और हो जाए? जितका भी मदद कर सकते तभी ठीक है ना, अभी तो फिलहाल रेट बढ़ गया है, महंगाई में थोड़ा कम करना चाहिए तब होगा फायदा। क्या क्या चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है? दवाई खातू का सब बढ़ गया है। हाँ, हाँ। पहले के मुकाबले कितना बढ़ा होगा अभी? डबल हो गया है। डबल हो गया है ऐसा। तो अब लगातार जब सरकार बन रही थी उस वक्त भी कहा गया था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम किसानों का ही सरकार हैं, सभी सरकार दावा करते हैं। हाँ, किसान दावा करते। तो क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है किसानों के लिए क्या कुछ अच्छा हुआ है और होगा?
धीरे धीरे हुआ थे, अब देखो अब क्या आगे चल के क्या करता है। तो अभी तो सत्ता पे बैठा है, अभी तो कुछ नहीं किया है, जो पुराना है उसी को चला रहा है। हाँ जो दे रहा था उसी को, हाँ पुराना है उसी को दे रहा है। हाँ और ये भी कहा जाता है कि किसानों के लिए हर तरह से सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही है, ऐसा लगता है आपको? मेरे को नहीं लगता है, अभी महंगाई बढ़ गया है हर चीज़ का, खातू दवाई का तो रेट बढ़ाया तो बराबर हो जा रहा है। हाँ बराबर हो जाता है। ऐसा? हाँ। कितना खर्चा आ जाता होगा आपके फसल लगाते हैं तो? बहुत ज़्यादा आ जाता है। लगभग आपको अंदाजा होगा? एकड़ में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये आ जाता है। ऐसा? अब एक एकड़ में कितना इनकम कितना होता है आपका? एक एकड़ का जैसे धान आप बेचेंगे सरकार को कितना मिल जाता है? 20 क्विंटल का, 20 क्विंटल से ऊपर तो होता नहीं है। हाँ 20 क्विंटल ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा इधर। अच्छा। हाँ तो वही हो जाते 20 क्विंटल के तो वही 40-50 हज़ार होते, 40 हज़ार तक आधा तो खर्चा हो जाता। आधा खर्चा हो जाता पूरा, आधा से ज़्यादा। हाँ कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि खेती बाड़ी ला भाई के नहीं कर रहा हूँ ऐसे कहीं कैसा मत हूँ? लग जाते हैं कभी कभी, मोहर खा देते पूरा धानल मोहर खा देते एक साल तो मोर। हाँ हाँ घाटा हो रही से पूरा शून्य हो गई। आओ मोर जब से पैसा दे रहे हो लागत। ये ट्रैक्टर वेक्टर जो चलवा था ये तो रे ट्रैक्टर ही न है मोर किराया से आया है। एक तल जोतवाया है कतका लगी सोही लगभग? अच्छा वो घंटा हिसाब लेते ना, कितना घंटा लगेगा उस हिसाब से बिल बनेगा। 1200 रुपये घंटा है। 1200 घंटा? एक एकड़ का घंटा में जोता थे? एक एकड़ डेढ़ दो घंटा लग जाते। दो घंटा लग जाते। हाँ दो खेप जोताना पड़ता है दो। हाँ तो मैं ये कहता हूँ भैया कि लगातार किसानों के समस्या बने हुए हैं। किसान मन अब खेती बाड़ी ला धीरे धीरे नांगर बैला जो रही सब नदाज जाते धीरे धीरे, ठीक है? कभी ऐसे डर थोड़ी लगते कि खेत खार तको खेती बाड़ी तको नंदाज ही? हाँ नंदाज ही ना, ये अभी नंदा के खेती बाड़ी है। हाँ ये पूरा कलोनी कट गया, मुरुम रोड बिक गया, सब खेत खार है, दिख रहा है ना उधर। हाँ यहाँ खेते नहीं बचे है, दे हमरे 2-4 जन के बच्चे हैं पूरा बिक गया है। हाँ हाँ अगले 2 साल में पूरा एति का खेत खत्म हो जाएगा। तो धान कौन हुआ ही भैया इसने मत, वो बहुत अनाज खाए पर आदमी वाला तरसे और पड़ी तो तरसेल पड़ी ना। आखिरी में पूरा अपन रोड जो काटा था रास्ता में आना जाना नहीं देता है। हाँ पूरा घेरा मार रहा है। हाँ तो कहाँ से जाएगा किसानी करने के लिए? किसान की खेती नहीं जा बने तो कहाँ से किसानी होगा? ट्रैक्टर कहाँ से आएगा तो कैसे करेंगे? ऐसे टाइप हो गया है, खुद ज़बरदस्ती बेचना पड़ रहा है खेत को। हाँ ऐसा पिता आप बेच चुके हैं अपना खेत? मैं तो अभी नहीं बेचा हूँ, बाकी लोग बेच चुके हैं पूरा। ये दिख रहा है ना ये पूरा बिक गया है। ये मात्र मेरा ही बच्चा है, सामने पड़ गया है रोड के वजह से। गाय भैंस है कि नहीं घर में? नहीं सब बेच दिया है हम लोग। नहीं है कब था आपके याद होगा आपको कब याद कब था? अभी रही से यही साल कब बेचे? रही से 2 महीना हो रहा है। 2 महीना तो छत्तीसगढ़ी है मुठिया भैया मोला अच्छा लगी है ना छत्तीसगढ़ी में अपन बात जो हमें ना सही आता है एकदम सही जुड़ते अपनापन लगते। दर्शक भी देखैया जो है ना हमारे वीडियो के वह मन ला अपनापन लगी नहीं मस्त लगे। एक महीना हो गया क्या बेचे ऐसे? हाँ बैला रही से दूठो तो घर ले निकल था तो हाँ काम करे पर तो खाना उना खा का था नहीं इसने आ जाता खाना खेते में ला लेते। हाँ बासी वासी पहुँचाया थे कि नहीं? हाँ बासी पहुँचा ला रही ना अभी खाने दे सब पड़े हैं बासी खाया है। सुबह से आ जाते हैं खेत हमन है बासी चटनी मस्त पताल के चटनी तो खा मस्त कही नहीं अभी खान गए थे अभी खा भूलिए ना वो हम कई बजे तक कर रहा काम यार ट्रैक्टर भी तो जाबो हो गए काम ऐसे। हाँ तो मैं कब फसल धान वान के फसल कब लगा था ये तो अभी लग गया कि नहीं? लग गया ना मैं वो दो ठो बचे उसमें दो ठो में मतलब और अभी थरा डालें ना बाहर में डालें उधर बोला लाख लगाबो फिर ऐसे बाद वही करी के दे। हाँ तो अभी किसान मन ला आऊ एक अलावा कई बार कहे जा रही कि बैंक मन में पैसा निकाले में समस्या होते कही के वाकई में समस्या होते कि इसने कही थे बस नहीं होते ना समस्या है हमारा ज़्यादा पैसा नहीं देने बोलते बैंक वाले मन। हाँ हाँ कैसे करता फिर पैसा निकाले पर तुम्हार आवेदन बना बोलते। हाँ आवेदन बनाते तब निकलते
करते हाँ। सरकार ला का कहना चाहे कैसे हो जाए तुम्हारे लिए पैसा जल्दी आ जाए तुम्हारा मिल जाए आसानी से बोला सरकारें जानी का बोला हमन का बता सको ऐसे हाँ। तो सहूलियत होना चाहिए सहूलियत होना चाहिए अब कर काम वही जानी हाँ। हाँ। उम्मीद रही थे भैया आदमी मन देखे ना तो पहले पैसा आसानी से मिल जाए सोचते हर हर जगह की बात है तो मैं बातचीत करना मोर ये उद्देश्य है कि गांव के जो चीज़ नदाज जाते ना खेती किसानी खेती गरवा गाय हमारे यहाँ तक बासी तक नदाज जाते भले सरकार कही थे कि सब करा थन गई के कहाँ वो हो पाते नहीं हो पाते ना तो पूरा खेत खार तो बेचाते जाते सब दलाल मन है रास्ता रोकत जाता कते मेला किसानी कर सकोगा छेक देवत है पूरा छेक देवत आन जान नहीं देवत पूरा पर्दा मारत जात हो पर्दा मन दिखत कैसे हाँ तुर खेत है होती हूँ हाँ आऊ है ना बीच में हो तो जाए वो किसी कर सकते रखी इसने जाता है कूद काट के कैसे हाँ वो सामने दिखत ते कराऊ है खेत हाँ पर्दा को पार कैसे हाँ आन जान नहीं दे देखिए ये किसान है और इनका खेती बाड़ी का जो सीजन है वो चल रहा है और इसीलिए हम भी खेत में बैठकर बात कर रहे हैं यहीं भैया जो है वो इनके लिए बासी जो है वो बोरे बासी खूब चल रहा है बोरे बासी का ट्रेंड आप जानते होंगे पूरे देश भर के लोग बोरे बासी को जानते हैं और बोरे बासी इसी यहीं बैठ करके खाते हैं इनके घर से बोरे बासी आता है उसे खाते हैं इसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ गांव और गांव की कहानियाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए नमस्कार।